मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बेटा हमने डायमेंशन में बात कर ली थी। लास्ट क्लास में हमने कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले डिस्कस किए थे, याद है आपको? लास्ट क्लास में हमने कुछ डायमेंशन फॉर्मूले देखे थे, अप्रोक्स 30 डायमेंशन फॉर्मूले। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो डायमेंशन फॉर्मूले पे जाके अपना फर्स्ट वाला लेक्चर ज़रूर देखें। और मेरा नाम तो पता ही आप सभी को, मैं हूँ राकेश और आर फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो चलो बच्चों आगे स्टार्ट करें, तो एक दो डायमेंशन और देखते हैं, फिर डायमेंशन की एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है? तो 30 हो गए थे, 31 एक दो और देखते हैं, वह ज़्यादा नहीं है। जैसे सरफेस टेंशन अगर एक दो रह जाए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब न्यूमेरिकल आएंगे, जैसे आपके कमेंट आएंगे, डाउट आएंगे, तो उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है? तो सरफेस टेंशन की बात करें, सरफेस टेंशन को लिखते हैं एस से, ये होता है फोर्स अपॉन में लेंथ, ठीक है बेटा? फोर्स को लिखते हैं हम MLT-2 और लेंथ को लिखते हैं एल से। फोर्स हो जाएगा MLT-2, लेंथ हो जाएगा L। अब ये कैंसिल हो जाएगी बेटा, इनको कैंसिल कर दो तो कितना हो जाएगा, सरफेस टेंशन का क्या आ गया, MT-2। तो ये सरफेस टेंशन हो गया। अब देखो कई बुक में ऐसे भी मिल जाएगा M1L0T-2। जो फिजिकल क्वांटिटी प्रेजेंट नहीं है उसको हम जीरो लिख सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। सर आपने तो एल लिखा ही नहीं, बुक में एल जीरो है, नो प्रॉब्लम। 32 एवोगैड्रो नंबर Na, सुना होगा ना एवोगैड्रो नंबर? चलो कोई बता सकता है एवोगैड्रो नंबर का क्या होगा, एवोगैड्रो नंबर का बताओ बेटा, एवोगैड्रो नंबर का। देखो एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, ये होता है 6.023 × 10²³ एटम मॉलिक्यूल पर मोल, तो ये 1/mol होता है इसका। तो इसका डायमेंशन होगा mol-1, ध्यान रखना। एवोगैड्रो नंबर का मतलब आप समझते होंगे, हम लिख देते हैं कि 6.023 × 10²³ एटम और मॉलिक्यूल पर मोल, तो ये तो नंबर हो गए, लेकिन अपॉन में क्या है, पर मोल। तो मोल इनवर्स इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है बच्चों। तो ये सरफेस टेंशन हो गया, ये एवोगैड्रो नंबर हो गया। ऐसे आता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को केबी से लिखेंगे, किससे लिखेंगे, केबी से। इसका फॉर्मूला होता है R/NA, ये रहा एवोगैड्रो नंबर, और R का हमने निकाला था, याद है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या आया था इसको, पीछे देखो Mn2T-2 mol-1 K-1, और ये याद है ना, याद है R कैसे निकाला था, PV=nRT, तो ये PV का हो गया अपॉन में N और अपॉन में T, और Na का ये रहा mol-1, तो ये mol-1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, Mn2T-2 K-1। तो टेम्परेचर के लिए K यूज करते हैं, टाइम के लिए T यूज करते हैं। तो बस इतने ही डायमेंशन फॉर्मूले सफिशियंट है, और आगे आएंगे तो बाद में देखेंगे। अब मैं आपको डायमेंशन की एप्लीकेशन करवाता हूँ, इसकी 3 एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन 1 में डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है? एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूले, तो एप्लीकेशन देख लेते हैं बेटा।
एप्लीकेशन ऑफ डाइमेंशनल फॉर्मूले, डाइमेंशनल फॉर्मूले की थ्री एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन नंबर वन आज मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो एप्लीकेशन वन क्या है, टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट। टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर सिस्टम ऑफ यूनिट, एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है। जैसे CGS को MKS में, MKS को FPS में, FPS को SI में, ऐसे। तो मैं इसमें आपको थ्री क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो थ्री क्वेश्चन में ये एप्लीकेशन आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन वन लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर वन ध्यान से देखें, इस एप्लीकेशन में ये आपकी एप्लीकेशन है वन। ऐसे और भी दो एप्लीकेशन है। फर्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट, ऐसे एक बार इसका बेसिक बता देता हूं फिर क्वेश्चन करेंगे। इसका बेसिक क्या है देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था एन और यू कांस्टेंट होते हैं। मेजरमेंट भी पढ़ाया था, याद करो। मेजरमेंट के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था एन और यू क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है, ठीक है। एन और यू कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट रहेगा तो हम लिख सकते हैं एन वन यू वन, एन टू यू टू क्या रहेगा, कांस्टेंट। याद करो, जैसे 2 kg को 2000 ग्राम लिख सकते हैं। 2 kg को क्या लिख सकते हैं, 2000 ग्राम लिख सकते हैं। तो 2 kg हो गया 2000 ग्राम। तो ये एन वन, ये यू वन, ये एन टू और ये यू टू। देखो इनमें डिफरेंस क्या है, ये ऐसा यूनिट है, ये CGS है, नंबर अलग अलग हो गए, पावर तो सेम है। यहाँ भी kg की पावर वन, यहाँ ग्राम की पावर भी वन। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एन वन यू वन एन टू यू टू। अब ध्यान से देखना, एन वन और एन टू तो जस्ट नंबर होंगे। U1 को क्या लिख सकते हैं, U1 का डायमेंशन क्या होगा, M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C। U1 कोई यूनिट है जैसे kg है, तो कोई ना कोई डायमेंशन तो होगा ही। तो सपोज करो A, B, C मैंने लिख दिया, ऐसे ही हो गया N2। इधर भी M2 की पावर A, L2 की पावर B, T2 की पावर C, ऐसे इधर भी डायमेंशन होगा। बोलो आपको क्या है, एन टू की निकालने की जरूरत पड़ेगी। आपसे बोला जाएगा कि 2 kg में कितने ग्राम होंगे, 5 N में कितने डाइन होंगे, इतने जूल में कितने अर्ब होंगे, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। तो मैं एक फॉर्मूला तैयार कर रहा हूँ, तो एन टू निकाल लो यहाँ से। एन टू कैसे निकालेंगे, एन वन तो यही रहेगा, ये अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो अपॉन में ले आओ, M1 by M2 हो जाएगा, सीधा लिख दूं, M1 by M2 whole power A हो जाएगा, L1 by L2, L1 by L2 whole power B हो जाएगा, ऐसे T1 by T2 whole power C हो जाएगा। तो फर्स्ट एप्लीकेशन में इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी जो हमें ध्यान रखना है। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है जब भी N2 निकालना पड़े। अब मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन से आपको ये फॉर्मूला और अच्छी तरह समझ में आएगा बच्चे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना, अब हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे तो क्वेश्चन के थ्रू आपको और भी सारी बातें समझ में आएंगी अच्छी तरह से। तो चलो क्वेश्चन शुरुआत करते हैं बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, फॉर्मूला याद हो गया ना, एप्लीकेशन भी याद हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर वन, कन्वर्ट 1 N इनटू डाइन। डायन नहीं, डाइन तो सुना होगा ना,
डाइन होती है, तो ये डाइन नहीं है, डाइन है। वन न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है। देखो न्यूटन क्या है, ये फोर्स की ऐसा यूनिट है, और डाइन क्या है, ये फोर्स की सीजीएस यूनिट है। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं आगे कि कैसे कन्वर्ट करें। जैसे आपको पता है कि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, इसी तरह आपको बताना है 1 न्यूटन में कितने डाइन होंगे। तो आप फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे, आपको याद है ना, N1 U1 N2 U2। N1 तो हो गया 1, यूनिट हो गई न्यूटन, N2 कैलकुलेट करना है, और U2 हो गया डाइन। ये सवाल है, आपको ये बताना है 1 न्यूटन में कितने डाइन होंगे। क्वेश्चन देख के सबसे पहले ये कंफर्म करना है कि कौन सा सिस्टम क्या है। ठीक बेटा, ये ऐसा ही है और ये सीजीएस है, ये ऐसा ही है न्यूटन और ये सीजीएस। इतनी बात समझ में आई, एक आपका ऐसा ही सिस्टम है, एक आपका सीजीएस सिस्टम है। अब न्यूटन और डाइन किसकी यूनिट है, फोर्स की। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, डायमेंशन फॉर्मूला लिखो, ML T-2 M1L। तो फोर्स का डायमेंशन हो गया। तो सबसे पहले ये पता करना है किसकी यूनिट है, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे। अब N2 निकालना है, N2 का फॉर्मूला बोलो, N2 का फॉर्मूला क्या था, N1 M1 by M2 की पावर A L1 by L2 की पावर B T1 by T2 की पावर C। यही होगा बेटा, M1 by M2 का पावर A L1 by L2 का पावर B T1 by T2 का पावर C। तो हमें N2 कैलकुलेट करना है, तो N2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, N1 कितना है, 1 न्यूटन। ये जो वैल्यू है ना A B C, वो यहाँ से लेंगे, M का पावर 1 हो जाएगा, L का पावर 1 हो जाएगा, T का पावर -2 हो जाएगा। अब ये देखो कि जो ये M1 M2 है, ये जो 1 वाला है ये ऐसा ही है, 2 वाला है वो सीजीएस है। तो ऐसा ही में मास को किस में लिखेंगे, केजी में, और 2 वाला किस में है, सीजीएस में। तो ये किस में होगा, ग्राम में। मास की पावर यहां से लेंगे, फोर्स के डायमेंशन फॉर्मूले से 1 1 1 वाला सिस्टम ऐसा ही है, ऐसा ही में ये हो जाएगा मीटर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर, बी का पावर हो जाएगा 1, टाइम हो जाएगा एसआई में सेकंड, और सीजीएस में भी क्या हो जाएगा, सेकंड, और सी का पावर क्या है, -2। सिस्टम 1 है एसआई, एसआई में मास को केजी में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में, पीछे पढ़ाया था ना सिस्टम ऑफ यूनिट, और नीचे सीजीएस है तो ग्राम सेंटीमीटर सेकंड, पावर यहां से लेंगे। अब सॉल्व कर लो बेटा, केजी को क्या लिखेंगे, 1000 ग्राम लिखेंगे, अपॉन में ग्राम, मीटर को क्या लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर लिखेंगे, अपॉन में सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड कट जाएगा, 1 की पावर -2, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, 1000 की पावर 1, 30 10 की पावर यहाँ 2, और 1 की पावर कुछ भी हो 1, तो 10 की पावर 5। तो सवाल सोल्व हो गया है, 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं, पता लग गया, 1 न्यूटन = 10 की पावर 5 डाइन। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन 1 हो गया है। आगे बात समझ में, ऐसा ही क्वेश्चन हो रहे है, इसमें एक जूल का है, वो आप चलो जूल का और करवा दूं, चलो और देख लेते हैं। ऐसा ही है, कन्वर्ट सेकंड और देख लो, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग, जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना। देखो ऐसे मैंने नोटबुक में बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे होंगे, लेकिन बेसिक यही है, आप इनसे सीख सकते हैं। जूल को अर्ग में कैसे बनाएंगे, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग,
अब देखो बेटा, जूल क्या है? ऐसा यूनिट है, और ये आर्ग क्या है? सीजीएस। ये दोनों ही वर्क डन की यूनिट है। वर्क डन की ऐसा यूनिट है जूल, और वर्क डन की सीजीएस यूनिट है क्या है? आर्ग। ठीक है, आ रही है ना बात समझ में? चलो अब क्वेश्चन करते हैं। ऐसा ही सवाल आ गया। अब ये दोबारा से, ये हो गया वन जूल, और ये कैलकुलेट करना है, और ये हो गया अर्ग। तो वन जूल में बताना है कितना अर्ग होगा। ठीक है, अब फॉर्मूला किसका लिखेंगे? जूल या अर्ग, किसकी यूनिट है ये? एनर्जी की। एनर्जी वर्क का डाइमेंशन सेम होता है, तो एनर्जी की ऐसा यूनिट है जूल, और सॉरी मैंने वर्क बोल दिया था, एनर्जी की है, और एनर्जी की सीजीएस यूनिट क्या है? अर्ग। तो एनर्जी का डाइमेंशन फॉर्मूला, एनर्जी का वही होगा जो वर्क डन का होगा, एम एल टू टी माइनस टू, एम एल टू टी माइनस टू। तो चलो चेक करें, यहाँ तक तो सेम ही रहेगा ना, फॉर्मूला भी यही है, यहाँ तक भी सेम ही है, बस पावर चेंज कर दूँ, एम की पावर वन, एल की पावर टू, टी की पावर माइनस टू, बाकी कोई चेंज आना ही नहीं है। बोलो आएगा? ये आपका ऐसा ही है, ये ऐसा ही रख दिए, ये सीजीएस है, सीजीएस रख दिए। पावर यूनिट जिसकी हो, ये देखना है कि ये जूल और अर्ग किसकी यूनिट है, उसी का डायमेंशन लिखना है, और उसी के हिसाब से ए बी सी की पावर, एम की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर सी, बाकी सब तो सेम है ही। यहाँ चेंज आएगा बस टू का, हंड्रेड की पावर टू करेंगे तो फोर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? सेवन हो जाएगा। तो वन जूल में कितने अर्ग? टेन की पावर सेवन अर्ग। बोलो आ रही बात समझ में? और करवाऊं? चलो एक और देख लेते हैं, अजीब सा सवाल। चलो आज इतना ही रखो बेटा, अगर कोई डाउट हो तो फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।